कुंडा के निर्दल विधायक रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया के राजनीतिक जीवन में पदार्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह नई राजनीतिक पार्टी के गठन के औपचारिक ऐलान के लिए होने वाले सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद व राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं। कौसाम्बी दौरे पर पहुंचे अक्षय प्रताप सिंह ने 30 नवंबर को लखनऊ सम्मेलन के लिए लोगों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आम जनता के स्वाभिमान व सम्मान के लिए राजा भैया नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। किसी दल के साथ गठबंधन से उन्होंने साफ इनकार किया। कौसाम्बी पहुंचे पूर्व सांसद अक्षय प्रताप का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। स्वागत समारोह में सपा, भाजपा व कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने अपने समर्थकों को लखनऊ सम्मेलन में पहुंचने की अपील की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी बनाने का मकसद जनता के स्वाभिमान व सम्मान की रक्षा करना है। 30 नवंबर को लखनऊ के रामबाई मैदान में आयोजित रजत जयंती समारोह के अवसर पर पार्टी की औपचारिक ऐलान किया जाएगा। जनसत्ता पार्टी का किसी दूसरे दल से गठबंधन के बाबत उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अभी सिर्फ पार्टी को खड़ा करना व जनता की सेवा करना उनका मकसद है। पेश है कौसाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। विधायक मंत्री रहे पिछले साल, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने 7-7 6-6 7-7 बार विधायक रहे हैं, लेकिन दलों से रहे हैं। पहली बार निर्दल विधायक पूरे देश में सब समाज को लेकर 25 साल कार्यकाल पूरा किया। इसके उपलक्ष्य में एक कमेटी बनी है, सारे लोगों ने तय किया कि एक सम्मान समारोह करेंगे 25 साल पूरे होने के इतिहास है। उसमें सैलेंड आयोजक हैं, विनोद सरोज जी अध्यक्ष हैं और तमाम पूरे प्रदेश के लोग उसमें कमेटी में हैं। सारे लोगों ने मिलकर तय किया। क्या रणनीति रहेगी पार्टी बनाने, क्या मकसद है? देखिए, पार्टी क्योंकि 25 साल पूरे हो गए थे आदरणीय राजा भैया को राजनीत करते हुए, उन्होंने अपने समर्थकों से पूरे देश में पूरे प्रदेश में राय ली और 80% लोगों ने ये कहा कि दल बना के राजनीत करना चाहिए आज की दल की स्थितियों को देखते हुए। और वैसे भी 80% लोगों समर्थकों ने जब राय दी तो उस पर आदरणीय राजा भैया दल बनाई। मौजूदा कोई गठबंधन नहीं है, तो अभी हम लोगों की शुरुआत है और शुरुआत में ही गठबंधन की बात कैसे होगी, राय से कोई बात गठबंधन की बात नहीं है। अभी तो हम लोग अपने समर्थकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अभी जगह जगह अन्य जिलों में भी कार्यक्रम लगा हुआ है, इसके बाद हमारा बांदा लगा हुआ है, चित्रकूट लगा हुआ है, जगह जगह जाके पहले तो हम सम्मान समारोह के उसके दिन की बात कर रहे हैं, उसी दिन स्थापना दिवस भी होगा और अपील आपके माध्यम से भी और सीधे भी जाके हम अपील कर रहे हैं अपने समर्थकों से कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे।